अब पहला प्राणायाम करेंगे। पहला देखिए, जितने अभी हम आठ प्राणायाम हम लोग करेंगे, आठ प्राणायाम में दो प्राणायाम आपके पूरे शरीर में कोई कमी नहीं रहने देगा। उसका नाम है कपाल भांति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। केवल यही दो प्राणायाम आप नियमित करिए तो आपके शरीर में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। अब प्राणायाम के क्रम में पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अब क्यों भस्त्रिका प्राणायाम सर्वप्रथम करते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम या श्वसन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने वाला प्राणायाम है। हमारे शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा, ये उसी की एक्सरसाइज है। हमारी जो सामान्य श्वसन क्रिया है उसमें हम जब श्वास लेते हैं तो न फेफड़ा पूरा फूलता है और न फेफड़ा पूरा सिकुड़ता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आरएमएस एकेडमी पिपरा बांध के प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य जी, शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहने, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस योग प्रशिक्षण शिविर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अब परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर सद्विचार भरें। सर्वप्रथम बैठने के कुछ आसन हम बताएंगे, हमारा अनुकरण कीजिए। बैठने का सर्वोत्तम आसन है पद्मासन। पद्मासन कैसे लगाते हैं? ये दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर और बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर, ये बैठने का सर्वोत्तम आसन है। आप इस आसन में एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट अगर प्रतिदिन बैठेंगे तो ये बैठने के आसन से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब पद्मासन जो है, बहुत देर तक पद्मासन में बैठेंगे तो घुटने में दर्द हो सकता है, इसलिए बहुत देर तक पद्मासन में नहीं बैठना है। थोड़े देर तक पद्मासन लगाइए फिर हटा दीजिए। अब बैठने का दूसरा सर्वोत्तम आसन है सिद्धासन। हमारे जितने ऋषि मुनि तपस्या किए हैं ये सभी लोग सिद्धासन में किए हैं। अब सिद्धासन कैसे लगाते हैं यह एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख दीजिए। सबसे आसान आसन है सिद्धासन। सिद्धासन में आप जितने देर तक आपकी इच्छा करे उतने देर तक बैठ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। यह है सिद्धासन। हम प्राणायाम करेंगे तो जो लगा सकते हैं पद्मासन में लगा के करेंगे और नहीं तो सिद्धासन में। अब बैठने का तीसरा आसन है, उसका नाम है सुखासन। सुखासन का मतलब है जिस आसन में बैठने से सुख की अनुभूति हो वह सुखासन है। गांव में हम लोग बैठते हैं, एक आसन है कहते हैं पलथी मार के, यानी ऐसे ऐसे बैठिए चाहे जैसे बैठिए, इस आसन को कहते हैं सुखासन। अब भोजन के बाद सभी आसन प्राणायाम वर्जित है।
क्योंकि भोजन करने के बाद 2 से 2.5 घंटा पूरे शरीर का फोकस भोजन को पचाने में लग जाता है। इसलिए आसन प्राणायाम भोजन के तुरंत बाद वर्जित है। लेकिन एक आसन ऐसा है बैठने का जो भोजन करने के बाद आप प्रतिदिन उस आसन में बैठें तो कभी पाचन क्रिया की कोई असुविधा नहीं होगी आपको। उस आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन में बैठते हैं, दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों पैर मोड़ करके एड़ी को फैला करके ऐसे बैठने को, इस आसन को कहते हैं वज्रासन। आप प्रतिदिन भोजन करने के बाद 1 मिनट से शुरू करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक अगर भोजन के बाद वज्रासन में आप बैठने लगे तो कभी कोई पाचन क्रिया की किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको हमेशा सीधा रखना है, चाहे बैठे हैं चाहे खड़े हैं, हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करना है। अब बैठने का आसन आप जान लीजिए, जान गए आप। अब हाथ की मुद्रा, हमारा मन बहुत चंचल है और इस चंचलता पर लगाने के लिए मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा है, एक तर्जनी अंगुली को अंगूठे से लगाएंगे, शेष 3 अंगुलियां सीधी, यही है ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में आप जब बैठेंगे तो जो हमारा मन बहुत चंचल है उसकी चंचलता पर ये लगाम लगाता है, इसको कंट्रोल करता है ये ध्यान मुद्रा। जब भी आप बैठे हैं तो अगर अब देखिए सिद्धासन में बैठे हैं तो सिद्धासन का लाभ और ध्यान मुद्रा। अब दोनों हाथ से ध्यान मुद्रा लगाना है, जब ये 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी तभी ध्यान मुद्रा सही काम करेगी। अब हाथ की मुद्रा का एक दूसरा उदाहरण है, अगर किसी को गैस अधिक बन रहा है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए एक मुद्रा है वायु मुद्रा। एक तर्जनी अंगुली को अंगूठे से दबा दीजिए और शेष 3 अंगुलियां सीधी, यह है वायु मुद्रा। जिसको अधिक गैस बन रहा है या जोड़ों में दर्द है तो इस मुद्रा में बैठेंगे तो वह धीरे 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 गैस बनना कम हो जाएगा। अब गैस बनने का, भोजन सही न पचने के कई कारण हैं। पानी पीने के, पानी से संबंधित 3-4 कारण पर आप ध्यान दें तो सैकड़ों बीमारियों से आप बच जाएंगे। पानी पीने में क्या ध्यान देना है, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी केवल हमको असुविधा में डालता है, कोई फायदा नहीं है। अब गर्मी अधिक है, आप बाहर से आए हैं, ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो जो फ्रिज का बहुत ठंडा पानी है उसको नहीं पीना है। नॉर्मल पानी या तो आप नॉर्मल पिए या नॉर्मल में थोड़ा सा ठंडा मिला करके पिए। फ्रिज में रखी किसी भी वस्तु को तुरंत निकाल के ना खाएं, बाहर कुछ देर तक रख दें तब खाएं। अब पानी हम लोग पीते हैं, प्यास लगी है, 1 गिलास पानी लिए और तुरंत गटगट गटगट जल्दी जल्दी पी गए, ऐसे नहीं पीना है। अब क्यों पानी ऐसे नहीं पीना है, क्यों छोटा छोटा घूंट करके पीना है, आप सभी लोग ये तो मालूम है, जो हमारा लार है, मुंह में लार बनता है ना, ये लार जो है यह क्षार है। हमारे पेट में भोजन को पीसने के लिए कोई चक्की नहीं है। क्षार अम्ल और पित्ताशय का पित्त रस, आमाशय के दीवारों से निकला हुआ रस, इसी से भोजन पचता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, हमारे पेट के अंदर एक थैली है आमाशय, उसी आमाशय में वो भोजन इकट्ठा होता है। जैसे भोजन आमाशय में जाएगा
आमाशय के दीवारों से रस निकलता है, अम्ल। आमाशय के दीवारों से निकला हुआ अम्ल, पित्ताशय से आया हुआ पित्त रस, और जो मुंह में लार है, यह लार जो है वह क्षार है। तो क्षार, अम्ल, पित्ताशय का पित्त रस, यही मिलकर के भोजन को पचाते हैं। अब भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के एक घंटे के बाद अगर पानी पिए तो जो यह लार क्षार पित्ताशय का पित्त रस यह भोजन को पूरा पचाने में अपना काम कर देता है। एक घंटे के बाद आप फिर पानी जितना इच्छा करे पीजिए। अगर पानी पीने का नियम अपना लें आप, उस पर ध्यान दें, तो कभी गैस नहीं बनेगा, अपच नहीं होगा, सैकड़ों बीमारियों से आप बच जाएंगे। और जब भी पानी पीजिए छोटा छोटा घूट करके, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय तो हमारी मजबूरी है, बड़ा घूट पिएंगे तो जल जाएंगे, इस डर से छोटा छोटा घूट करके चाय पीते हैं। अब जैसे चाय आप पीते हैं छोटा छोटा घूट करके, वैसे ही पानी पीजिए। पानी प्रयास कीजिए हमेशा नॉर्मल पानी पीजिए, जो हमारे शरीर का तापमान है उसी से थोड़ा बहुत कम और अधिक कुछ भी आप खाइए, कुछ भी पीजिए। अब योग में हमारी जो शरीर है, दो प्रकार की शरीर है, एक बाह्य शरीर और एक आंतरिक शरीर। तो बाह्य शरीर हम लोगों का दिख रहा है, आंतरिक शरीर के जो जितने महत्वपूर्ण अंग हैं वो दिखते नहीं हैं। तो हम पहले प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम जो है वह हमारे शरीर के जो अंदर के महत्वपूर्ण अंग हैं उनको सुदृढ़ बनाता है। और जो आसन है, तीव्र गति के आसन हैं, ये बाह्य शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं। अब योग करने के लिए सर्वोत्तम समय है सुबह का, प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप योग कीजिए तो बहुत अधिक लाभ करेगा। अब सुबह पूरा फोकस आपको तैयार होकर के विद्यालय आने में लग जाता है, टाइम नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में शाम को योग करिए। शाम को भोजन आप 8 से 9 बजे के लगभग करते हैं, तो शाम को 6-7 बजे के लगभग आप, बड़ों के लिए 1 घंटा प्रतिदिन करना है और विद्यार्थियों के लिए केवल आधा घंटा, कारण कि विद्यार्थी को अपना ज्यादा फोकस अपने पढ़ाई पर देना है। बड़े लोग तमाम अनावश्यक खाद्य पदार्थ खा करके अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, लेकिन आपकी शरीर अभी खराब नहीं हुई है। यदि आप अभी से आधा घंटा केवल योग करना शुरू कर दें तो फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। अब योग करने के लिए या तो आप 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर लें, उसके बाद करें, या 12 प्रकार की पीटी है। 12 प्रकार की पीटी जब आप करेंगे तो शरीर के सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाएगी। हमारे शरीर में जितने अंग हैं सबको एक्सरसाइज की आवश्यकता है। तो अभी यहाँ इस टाइम मॉर्निंग वॉक करना संभव नहीं है, तो हम लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आप करिएगा। ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाइए।